ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का थंबनेल लेके आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं कुछ नई चीज़ बाय करने जा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास पूरा राइडिंग किट्स है, जैसे कि ग्लोव्स हो गया, नी गार्ड हो गया, एल्बो गार्ड हो गया, मेरा जैकेट हो गया, एक सेफर एकदम बोलते ना सेफ्टी वाला हेलमेट हो गया। बस अभी कमी थी तो राइडिंग बूट्स की, और बहुत कम से प्लान चल रहा था राइडिंग बूट्स लेने के लिए, मगर बोलते ना बस एक राइट टाइम का मैं वेट कर रहा था, और अभी वो टाइम आ गया है, अभी लेना चाहिए, ऐसा मुझे नीड लग रहा है, राइडिंग बूट्स लेना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में हम लोग वही लेने जा रहे हैं जो मैं जाने वाला हूँ अभी फ़िलहाल खारगर बाइकर सब के लिए। वहाँ पे मैंने राइडिंग जो मेरे को बूट्स लेना है वो वहाँ पे अवेलेबल है ऐसा मेरे को पता तो चला है, तो अभी वहाँ पे जाके वही राइडिंग बूट्स देखते हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो उधर है। तो वही, और जैसे ही घर से निकला था इतना क्लियर वेदर था, और ये पता नहीं अभी ये बारिश कैसे आ गई है, मतलब मैं कुछ प्रिपरेशन से निकला भी नहीं था, मैं रेनकोट तक नहीं डाला, ऐसे ही आया था, क्या बोला क्लियर वेदर है, और जैसे हाईवे पकड़ लिया बस हो गई बारिश चालू। सामने वेदर देखो पूरा फॉगी हो गया इतना, और हार्डली मैं मुश्किल से बोले 2 से 3 किलोमीटर आया रहूँगा उतने में मेरे को बारिश मिल गई है। वाह, कभी धूप कभी बारिश, और बराबर जब काम का टाइम रहेगा तभी बारिश आती है। अभी कितना 2-3 किलोमीटर और बाकी है बस में, तो मैं पूरा वो वैसे तो पूरा भीग गया हूँ मैं। अरे राइडिंग बूट्स के बारे में बात करता हूँ, तो वैसे तो मैंने 2-3 ब्रांड देख के रखे थे, क्योंकि मुझे बजट में चाहिए था और सेफ्टी भी पूरा चाहिए था, तो मैंने जैसे ओराइजो हो गया, राइडा हो गया, बाद में एक्सोर का भी अभी नया राइडिंग बूट्स आया है, तो ये 2-3 तो मैंने देखा था, इसमें से ही एक मैं बाय करने वाला हूँ। अभी वो तो शॉप पर जाके मालूम पड़ेगा, क्योंकि मेरे साइज़ का कौन सा राइडिंग बूट्स अभी अवेलेबल है वो देखना भी पड़ेगा। वैसे अभी आप लोग को इतना तो आइडिया आ गया होगा कि मैं अपना राइडिंग सेटअप पूरा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब किधर तो मेरी राइड निकलने वाली है, तो बस एक हिंट दे के रख रहा हूँ कि अभी राइड तो निकलने वाली है, तो उसी के लिए पूरा सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार थोड़ा इनसिक्योर फील होता था कि भाई सब है हमारे पास, बस राइडिंग बूट्स नहीं है, और जो कि सेफ्टी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली आज हमारा सेटअप भी पूरा हो जाएगा, और फिर हमारे लॉन्ग राइड हम एकदम बोलते ना टेंशन फ्री कर सकते हैं। तो चलो, ये आ गए हमारे बाइकर्स हब में, पूरा भीग गया यार। चलो लेट्स गो, हम लोग आ गए बाइकर्स हब में, और कलेक्शन देखो पूरा कलेक्शन इधर अवेलेबल है। तो अभी हम बात करते हैं जो चीज़ हम लेने के लिए आए, भाई राइडिंग बूट्स दिखा दो। ओके, ये वाला मैंने डिसाइड किया था राइडा का, और ये रेंज में और कौन से आपके पास? ये रेंज में ये आएगा ओरेजो का 3800। ये भी मस्त दिख रहा है। एक्सडे क्या प्राइस में? 7600। ओके, और हमारा यूज होता राइडा का 4-5। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये स्टील टो है और वो ट्यूब प्रोटेक्शन है। ओके, इसमें स्टील टो आता है ना? हाँ, स्टील टो है, स्टील टो आएगा, ये ट्यूब रहेगा। तो आपके हिसाब से बेटर कौन सा है दोनों में से? बेटर दोनों ठीक है, बट नहीं फिर भी बोलते हैं ना स्टील टो थोड़ा इतना ये नहीं रहता। हाँ, स्टील टो कम चलता है, बट ठीक है, ट्यूब थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन। तो देखते हैं ये दोनों, इस दोनों में से एक चॉइस करते हैं हम लोग। तो पहले ट्राई कर लूँ ये दोनों में, पकड़ अच्छे। दोनों मेरे साइज का, ये अच्छा लग रहा है, अपनी बाइक को सूट भी होगा ना? हाँ, अपना भी रेडी है ना, रेड एंड ब्लैक। इसमें कितना कलर है? तो इस साइज में तो नहीं कलर है सर, रेड रेड है। तो एक बार शूज़ का प्रॉपर रिव्यू दे देता हूँ।
क्या है देखो, ये ऐसा शूज़ आता है और ये TPU मटेरियल से रहता है, जो हार्ड प्लास्टिक रहता है, जो हमारा स्टील टो आता है वो नहीं है, ये स्टील टो बस ओरेजो में आता है। और ये देखो हार्ड TPU मटेरियल है, पीछे से आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, यहाँ पे टो सपोर्ट यहाँ पे लगा है और वाटर रेजिस्टेंट के लिए भी है इसमें। देखो यहाँ पे जिप दिए जाते हैं और ये यहाँ पे जो ये वाटर रेजिस्टेंट करने के, यानी बारिश में आप बिंदास बाइक चला सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, पानी अंदर नहीं आने वाला इसमें, तो वो एक प्लस पॉइंट मस्त लगा मुझे। और दैट्स इट, सबसे मेन तो मुझे मेरे बाइक के कलर के साथ सूट हो जाएगा ऐसा मिल गया, तो मैं तो वो चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हूँ। बाकी मैं इसका एक राइड रिव्यू बना दूंगा प्रॉपर, के ये राइड करते समय कितना कंफर्टेबल, क्या क्या इसमें आपको चेंजेस है। और एक और एक बात, यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे हमें ये मतलब एक सेक्शन टाइप मिलता है गियर शिफ्ट करने के लिए, तो वो एक इसमें प्लस पॉइंट है। बाकी जो है यही है, इसका प्रॉपर राइड रिव्यू दूंगा मैं आपको। ग्रिप के बारे में भी बता देता हूँ, ग्रिप की एकदम बोलते हैं ना स्लिप नहीं होने वाला, एकदम स्ट्रांग है, फुल टफ ग्रिप है इसकी भी। बाकी इधर भी एक मटेरियल तो दिख रहा है, अभी इसके बारे में इतना नहीं पता मुझे, बाकी यही है, दैट्स इट। चलो अभी इसको बाय करते हैं, पेमेंट करते हैं, अपनी चीज़ जो जब से हमें चाहिए थी, जो हमारा सेटअप पूरा करने वाला था, वो अभी अपने घर लेके चलते हैं। चलो सो फाइनली हमारा सेटअप आज हो गया पूरा, हाँ बस राइडिंग शूज़ की कमी थी। और अभी बस दुआ कर रहा हूँ कि बारिश ना आए, क्योंकि जाने के साथ इसको भिगाना नहीं है मुझे। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको लोग आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगला इसका वैसे तो वीडियो मैं एकदम कंफर्म बनाने वाला हूँ कि राइड रिव्यू कैसे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम राइडिंग बूट्स यूज़ करने वाला हूँ, और राइडा का तो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका राइडिंग प्रॉपर वीडियो बना के मैं इसमें पोस्ट जरूर करूँगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना कि आपको राइड रिव्यू इस राइडा के राइडिंग शूज़ का चाहिए आपको, तो मैं उसके तो कन्फर्म वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दैट्स इट, तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।